हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी स्पाइडोस्पर्मा के बारे में, स्पाइडोस्पर्मा क्यू के बारे में। तो ये क्यू बार्को एक प्लांट होता है जो कि इसकी जो बार्क होती है वो एज अ मेडिसिन यूज होती है। तो ये जो मेडिसिन है, ऐसा बहुत सी अफवाहें फैल रही है कि एकदम से जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो एकदम से इंक्रीज कर देता है, आधे घंटे में जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी अफवाह में बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये जो दवाई है वो कहाँ कहाँ कब इफेक्टिव है, कब आपको लेनी चाहिए, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है लंग्स पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। लंग्स पे आपकी ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो खोलती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में बनाती है, और डिस्निया प्रॉब्लम जो है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, उसमें भी हेल्प करती है। लेकिन इसके अलावा जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इस दवाई को हर एक जो आदमी है वो ले रहा है, कोई भी विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट अपने सिम्टम बताए बिना इस जो ड्रॉप्स को है वो ले रहा है। होम्योपैथिक में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो पेशेंट हैं उनके हर एक पेशेंट के हर एक डिजीज में अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती है, ऐसे ही कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। प्रॉपर केस टेकिंग के बाद जो है होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। ऐसी बहुत सी मेडिसिन है लंग्स के लिए, बहुत सी मेडिसिन है डिफिकल्टी जो है ब्रीदिंग में उसके लिए। तो ये जो स्पाइडोस्पर्मा है ये मेडिसिन एकदम से नहीं आई है, ये बहुत पहले की मेडिसिन है, एकदम से नहीं आई है। ये लंग्स में बहुत इफेक्टिव है, लंग्स की जो डिजीज़ है उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। अब मैं आपको एक केस बताती हूँ। एक जो पेशेंट है उसको COPD की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो उसका कफ है वो बार्किंग कफ है, रैटलिंग साउंड आ रही है। दूसरा पेशेंट है उसे ड्राई कफ हो रहा है, गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, रात के समय जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पेशेंट जो है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने पड़ रहे हैं अपने लंग्स सांस लेने के लिए, उसके लिए अलग मेडिसिन है। फर्स्ट जो केस है उसके लिए हम आर्सेनिक एल्बम है, सेकंड केस के लिए ब्रानिया है। तो दोनों ही पेशेंट में जो सिम्टम्स है उसके बेसिस पर मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेडिसिन विदाउट अपने सिम्टम्स बताए वो ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपका सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है वो 90 से बहुत ज्यादा बिलो चला गया, आपको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन की आपको शरीर में कमी आ रही है, तो ये मत समझिए कि आप ये मेडिसिन लेंगे एकदम से आपको आराम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप इसको अपने घर में रखिएगा। अगर आप घर में ही जो अपना ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक कर सकते हैं, अगर आपका 95, 94 इतना है, 93, 92 इतना है, मतलब 90 से ऊपर ऊपर है, तो आप ये दवा लीजिएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस है और आपको सीवियर केसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप जो हॉस्पिटल की तरफ रश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेडिसिन आप एकदम से लेंगे और आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये मेडिसिन है वो भी अपने सिम्टम्स के बेसिस पर ही काम करेगी। इसके रिजल्ट हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, काम जरूर करेगी, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये रिप्लेसमेंट है ऑक्सीजन की। कहीं लोग ये समझ बैठे हैं कि हमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा और ये जो दवा एकदम हमें आराम मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप अपने घर में रख जरूर सकते हैं, आप ले जरूर सकते हैं, 15 से 20 बूंदे आप 1/4 कप वाटर में आप ले सकते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि ये रिप्लेसमेंट है ऑक्सीजन की, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर सीवियर केसेस है तो आपको ऑक्सीजन लगाना ही लगाना पड़ेगा। और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो सीवियर केसेस है वो भी इससे ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीवियर केसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो डॉक्टर यही दवाई क्यों ना देना शुरू कर दें, क्योंकि जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, इन अफवाहों में बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। इस मेडिसिन के रिजल्ट हैं, ये बहुतों पे काम भी करेगी, ऐसा नहीं है नहीं करेगी, इसके ऐसा एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन आप हमेशा जो मेडिसिन है डॉक्टर की कंसल्टेंट के बिना बिल्कुल मत लीजिएगा, उन्हें अपने सिम्टम्स जो हैं वो बताइएगा, तभी आप ये मेडिसिन लीजिएगा। विदाउट कंसल्टेंट आप ये मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिएगा। इसके साथ साथ आप घर में ही होम रेमेडीज़ के लिए भी अपना जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो आप बढ़ा सकते हैं।
स्टीम जो है आपको कफिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप 3 टाइम दिन में स्टीम लीजिएगा, 3 या 2 टाइम तो कम से कम स्टीम आप लीजिएगा, और जो स्टीम है वो हमेशा सादे पानी की लीजिएगा। सादे पानी की स्टीम बहुत ही इफेक्टिव रहती है। उसके साथ साथ जो स्पाइसेस हो गए, टर्मरिक जो है उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, हमारे लंग्स को प्रॉपर एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। जब कोई भी ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन हो गई है लंग में, अस्थमा में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उसकी सूजन को कम करने में टर्मरिक जो है बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ अदरक और शहद, अदरक का थोड़ा सा आप जूस निकाल लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर वो लीजिएगा, ये भी बहुत खांसी और कफिंग में बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ दालचीनी जो है वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो प्लीज इस जो मेडिसिन की जो ये 5 फैल रही है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप इसको रख सकते हैं लेकिन इसको ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट बिल्कुल मत समझिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिसकी लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।